रमज़ान के पाक महीने में पूरे 300 दिन इफ्तार बैंक का आयोजन करेगी समाज बचाओ कमेटी। आज समाज बचाओ कमेटी जमशेदपुर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि रमज़ान के पाक दिनों में सभी लोगों के लिए 300 दिन इफ्तार बैंक का आयोजन किया जाएगा। इफ्तार बैंक जमशेदपुर समेत आस पास के क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इफ्तार बैंक के लिए कमेटी द्वारा कुल 8 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनमें मानगो के मदीना मस्जिद के पास का इलाका, जवाहरनगर में अनवार मस्जिद के करीब, एमओ एकेडमी स्कूल के पास, ओल्ड पुरुलिया रोड अहले हदीस मस्जिद के करीब, कपाली बेल चौक, कपाली गौस नगर, कपाली झारखंड पब्लिक स्कूल, ओल्ड टीओपी चौक और बगानशाही शबीना मस्जिद के पास इफ्तार बैंक लगाया जाएगा। इफ्तार बैंक में ज़रूरतमंद लोगों को इफ्तार में खाने के लिए पका हुआ भोजन एवं फल मुहैया कराई जाएगी। समाज बचाओ कमेटी के सरपरस्त सैयद सैफुद्दीन अजदक द्वारा बताया गया कि यह इफ्तार बैंक उन लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद और मुसाफिर हैं। आइए सुनते हैं समाज बचाओ कमेटी के सरपरस्त सैयद सैफुद्दीन अजदक एवं सदस्य जामी उस्मानी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आलम इस्लाम के जुमला मुसलमानों को और तमाम इंसानियत को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। ये मोहब्बत का, इत्तेहाद का, इत्तफाक़ का, भाईचारगी का, अमन और शांति का और अल्लाह तबारक व ताला के आगे बरंदे के सरेंडर हो जाने का ये महीना है। इस महीने में समाज बचाओ कमेटी की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है, बल्कि ये दूसरा साल है ये इफ्तार बैंक का इंतज़ाम किया गया है। हम अपनी शादियों में, पार्टियों में खाते हैं और खाने से ज़्यादा बर्बाद करते हैं, और इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक में भी इफ्तार का दस्तरखान जब हमारे लगता है तो जितना खाते हैं उससे ज़्यादा कहीं हम बर्बाद करते हैं। समाज बचाओ कमेटी ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि अल्लाह के न जाने कितने बंदे ऐसे हैं जो एक खजूर के लिए भी मुस्तहिक होते हैं, परेशान रहते हैं। वो खजूर और चना के लिए और एक पकौड़ी के लिए उतरसते हैं। तो समाज बचाओ कमेटी की तरफ से इंशाअल्लाह तबारक व ताला 8 मकामात पर ये इफ्तार बैंक का इंतज़ाम होगा, जहाँ मुसाफिर, ज़रूरतमंद बंदे, हाजतमंद, मिस्कीन, गुज़रने वाले वहाँ से इफ्तार हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। हदीस पाक में इफ्तार कराने वाले की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इफ्तार कराता है अगरचे एक खजूरी से सही, अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते उसके लिए इस्तफार करते हैं, दुआएँ करते हैं, अल्लाह उसके उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है और जितना अजर रोज़ा रखने वाले को मिलता है उतना इफ्तार कराने वाले को अजर मिलता है, और उस इफ्तार कराने वाले के इसमें कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है, और बहुत सारी फजीलतें भी आई हैं। तो ये बड़ी अच्छी पहल है और रमज़ानुल मुबारक का सही पैगाम भी यही है कि भूखा रह करके बंदा भूख और प्यास को जाने कि भूख और प्यास क्या चीज़ है। कोई अगर रोज़ा रखता है और उसके बावजूद किसी की भूख और प्यास को नहीं समझता है तो हकीकतन उसने रोज़े के माना और मतलब को नहीं समझा है। तो समाज बचाओ कमेटी इसके लिए ही कोशिश कर रही है। ये ज़ुबलम शतान जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जैसा कि आपने पूछा कि ये क्या कंसेप्ट है, तो बता दूँ कि इफ्तार बैंक जो है लास्ट ईयर, गुज़श्ता साल भी समाज बचाओ कमेटी ने किया था। तो उस वक्त हम लोगों ने फल, फ्रूट्स, खजूर, इस तरह की चीज़ें इफ्तार बैंक में रखी थी, लेकिन इस साल थोड़ा सा हम लोगों ने कंसेप्ट चेंज किया है। इसमें कुक रखा जा रहा है 30 दिन के लिए, वहाँ पे इफ्तार तैयार होगा। तैयार होने के बाद सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पैकिंग होने के बाद जो 8 जो जगहें हैं वहाँ पर वो पहुँच जाएगा, और वहाँ से जो है मुस्तहक लोग हैं, जो राहगीर हैं, चलने वाले, उन तक हम पहुँचाएँगे। और यही हमारा मकसद है, और ये बड़ा नेक काम है, और रमज़ानुल मुबारक का मौका है, और तो हम लोग इसका इस्तकबाल जो कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। तो जो 8 जगहें हैं उनके भी मैं बता दूं, इसमें मदीना मस्जिद है, जवाहर नगर अनवार मस्जिद, एमओ एकेडमी स्कूल के पास अहले हदीस मस्जिद, और बिलाल बेल चौक कपाली, गौस नगर, झारखंड पब्लिक स्कूल कपाली, ओल्ड टीओपी चौक और बगान शाही में सबीना मस्जिद के पास स्टॉल लगेगा। और मेरी एक और अपील है यहाँ के आवाम से, लोगों से, कि आप इसमें जुड़ें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज बचाओ कमेटी के जो मेंबर हैं, ये पूरा टीम वर्क है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसा मौका दिया कि हम लोग कर रहे हैं, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं।
किसी तरह की भी मदद कर सकते हैं, काउंटर पे आ सकते हैं, आप जिस तरह का हेल्प चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि और लोग भी जुड़ें इस नेक काम में, और ये बड़ा अच्छा काम है इफ्तार बैंक का, तो यही हमारा मकसद है, लोगों को जोड़ना, साथ रखना।